हे गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है जा बॉयस। तो यार तुम लोग सब लोग ना रोस्टिंग का जो मेन गुरु है उसको तो जानते ही होगे। नहीं नहीं नहीं, ये सब तो चूतिया लोग हैं। मैं बात कर रहा हूँ इस इंसान की। तो आज ना गाइस मैं आपको मिलवाने वाला हूँ उसकी छोटी बहन से जिसका नाम है मलिका, द फीमेल वर्जन ऑफ कैरी मिनाटी, यानी कैरी का लड़की वाला वर्जन। यार जब भी तुम लोग सोचते हो कि कोई रोस्टिंग चैनल होगा तो तुम लोग इसके नाम में क्या एक्सपेक्ट करते हो, मतलब क्या होना चाहिए उसके पीछे, या मिनाटी या फिर बंटा या फिर बाबा जी या फिर नंदन वंदन, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करते हो ना। लेकिन ये जो बंदी है ना, इसके चैनल का नाम है मलाइका। नहीं, सिर्फ मलाइका, पीछे कुछ नहीं है। और पता है अभी नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई फैशन ब्लॉगर है और अभी हमको मुजरा करके दिखाएगी, मगर नहीं, सारे अरमानों का ना भोजन हो जाता है। चलो बात करते हैं हम इस बच्ची की। एग्जैक्टली राइट, मैंने कहा बच्ची, क्योंकि ये जो लड़की है ये, इसका कहना ये है कि ये 14 साल की है और ये पिछले 5 साल से वीडियो बना रही है। यार YouTube के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा चला है ओवर द स्पैन ऑफ 5 इयर्स। जब मैं YouTube वीडियोस बनाती थी, नहीं नहीं क्या मतलब समझ के क्या रखा है। हाँ नहीं, मैं जब 10वीं में था मुझे याद है मैं पहली बार अपना FB का अकाउंट बना रहा था और यार ये 5 साल से वीडियोस बना रही है कैसे, मतलब ये तो अभी खुद ये बोलती है ये 10th में है और ये 5 साल से वीडियो बना रही है, मतलब क्या है जब ये 5वीं में थी तब से ये वीडियो बनाने में लगी हुई है। यार ये कुछ हजम नहीं हो रहा है यार। नहीं यार, जब हम 5वीं में थे हमने क्या किया, मैंने तो भाई शाम के 5 बजे बैठकर पोकेमॉन देखा है और 5:30 बजे बैठकर बेबलेट देखा है। पता नहीं यार ये लोग कर कैसे लेते हैं यार, हर किसी को यूट्यूबर बनना है। जब नया नया बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथ में झुनझुना दिया जाता है, मेरे हाथ में भी झुनझुना दिया गया था खेलने के लिए। लेकिन लगता है ये जब पैदा हुई थी तो इसके हाथ में मम्मी ने आईफोन दे दिया था। जब हम पैदा होते तब हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाता है और मेरा भी बनाया गया था। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये पैदा हुई थी तो इसके मम्मी पापा ने सबसे पहले इसका जीमेल अकाउंट बनाया और उसके बाद में इसका यूट्यूब अकाउंट क्रिएट किया। That time I had around 6 or 7 channels. I have experimented with different types of content. Wow, isn't that so amazing? अरे घंटा amazing. जिसका भी मन चाहता है कि लोगों का YouTube पे चूतिया काट देता है. Wow, wow, wow! I'm so happy. I'm feeling so proud. अबे 9 साल की उम्र में ना पिछवाड़े पे लात मार के बच्चों को स्कूल भेजा जाता है और ये बंदी का कहना ये है कि ये 9 साल की उम्र से यूट्यूब पे अलग अलग कंटेंट एक्सपेरिमेंट कर रही है। वाह, इजंट इट सो अमेजिंग। अरे भग, फिर से चूतिया काटा। और सबसे बड़ी बात, मैडम का ये दावा है कि अगर वो किसी का भी रोस्ट करे तो वो बंदा यूट्यूब छोड़ देगा, और छोड़ ही नहीं देगा, इनफैक्ट वो यूट्यूब यूज करना ही छोड़ देगा। वाओ, अगर मैं चाहूँ तो इस लड़के के वीडियोस का मैं इतना गंदा रोस्ट कर सकती हूँ कि यूट्यूब कभी खोले ना। भाई इसकी वीडियोस हैं भाई, मेरे को तो थोड़ी अच्छी भी लगी, पर यार भैया कुर्सी पे क्यों घूम रहा है, शक्तिमान बना रखा है। इतना ज्यादा रोस्ट, भैया कुर्सी पे क्यों घूम रहा है, शक्तिमान बना रखा है। ओह फक, इतना ज्यादा रो, अबे मर जाएगा वो, तू पागल है क्या। ये जो इसकी ये जो वीडियो है ना, इस पे 1.5 लाख व्यूज है, मतलब लोगों को पता नहीं क्या हो गया यार। एक 9 साल का बच्चा एक 15 साल की या 14 साल की जो भी है उस बच्ची से लड़ रहा है और पब्लिक वो देख के मजे ले रही है, जैसे बच्चे लड़ते ना टीवी के रिमोट के लिए। हे मल्लो रिमोट देना, नहीं देगी। हे मल्लो प्लीज ना, नहीं देगी। हे मेरे को छोटा भीम देखना, अरे रिमोट नहीं देगी। हे देना, मेरे को बारबी देखना है। हे मल्लो बोला ना नहीं देगी। हे देना, अरे जाना छोटा भीम, अरे मरना छोटा भीम, बारबी देखेगी मैं, छोटा भीम बारबी, छोटा भीम पढ़वी, भीम 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 छोटा भीम, छोटा भीम 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 छोटा भीम, छोटा भीम है चुप चुतिया। तो यार ये वीडियो मैं अकेले तो देख नहीं सकती, तो मैंने सोचा कि यार तुम मिलकर मेरे को हेल्प करो ये वीडियो देखने में। अब बढ़ते इसके एक दूसरे वीडियो की तरफ, और उस वीडियो में उसने ये बताया है कि हम इंडियंस किस तरह से गाने सुनते हैं और किस तरह से गाना गाते हैं। जरा गौर से देखिए। हीर मैंने दिल से माना तुझे हर वीवार, पी बाबा से भी मांगा तुझ बार, तुम्हें जिद बने न दू इसे बने वक्त दार पर तुझ बस कर तेरी मम्मी tonight cause we're scared to be lonely। मैडम पहली बात, इस तरह का गाना ना हम भारतीय क्या दुनिया का कोई भी इंसान नहीं गाता है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर किसी पुलिस वाले ने या किसी और इंसान ने हमें इस तरह से गाड़ी में गाते हुए देख लिया तो चप्पल निकाल के हमें फेंक के मारेगा। अच्छा चलो ठीक है, ये जो प्राणी है ना ये रोस्टिंग करती है, एक्टिंग करती है, कोई बात नहीं।
लेकिन ये मैडम गाती भी है और आप इसका गाना जब सुनोगे ना, बाय गॉड, आपको इतना मजा आएगा ना, इतना मजा आएगा ना, क्या बताओ। तो चलो इसका गाना सुनते हैं। देखो बेटा, बाकी कुछ तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन तुमने जो एंट्री ली है ना, ये टोटली ना मुझे शक्तिमान की एंट्री लग रही है। नहीं यार, आज के लिए बस इतना ही काफी है और नहीं कर पाऊंगा। और वैसे आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मलिका जो है ये बहुत ही टैलेंटेड यूट्यूबर है और काफ़ी अच्छा जा रही है, और ये वीडियो जो है इसको आप सीरियसली ना ले, ये बस एक मजाक के तौर पर था। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। और अगर आपको और भी अच्छा लगा तो जाके बेल आइकन दबा दो यार, जिससे क्या है ना मेरे लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं आपको आते रहेंगे, समझे। और यार एक और चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा, आपने जो पिछले वीडियो में मुझे सपोर्ट किया, बाय गॉड मज़ा आ गया यार, पूरे 50 मिलियन व्यूज़, सीरियसली इतने व्यूज़ मेरे बाप ने भी नहीं देखे कभी। आप लोग ऐसे ही बस सपोर्ट करते रहो यार, मोटिवेशन मिलती रहेगी यार, मैं बहुत मोटिवेट हुआ, थैंक यू। दिस इज जीत भट्टाचार्य साइनिंग ऑफ, टेक केयर। हे शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, पोके पोके पोकेमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान, पोके पोके पोकेमान।